नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी भाषा शब्द बेस। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं पद कहलाते हैं। सभी भाषाओं की अपनी शब्द संपदा होती है जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। हिंदी की शब्द संपदा में भी कई तरह के शब्द आते हैं। शब्द के भेद। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, अर्थ, रचना और प्रयोग के आधार पर उनमें भेद किए जा सकते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के, भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कार्य, सर्प, कर्ण, घृत, हस्त, ग्रह आदि। तद्भव वे शब्द जो तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं और उनका रूप बदल गया है वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे काम, सांप, कान, घी, हाथ, घर आदि। देशज शब्द क्षेत्रीय बोलियों के वे शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, झोपड़ी, डोरी, थैला, आड़ू, खिचड़ी, जूता आदि। आगत शब्द अन्य भाषाओं से आए हुए वे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं जो अब हिंदी भाषा में रच बस गए हैं, जैसे अंग्रेजी से ट्रेन, डॉक्टर, साइकिल, सिनेमा, ऑफिस, मोबाइल फ़ोन। अरबी फारसी से इलाज, अखबार, शिकायत, तूफान, चाय, खामोश आदि। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार हो गए जिन्हें विद्यार्थी लिखेंगे। पहले लिखेंगे शब्द की परिभाषा, फिर शब्द के भेद, तत्सम शब्द की भी परिभाषा उदाहरण, तद्भव के भी दो उदाहरण, देशज के भी, आगत शब्द के भी। अब रचना के आधार पर लिखेंगे। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं, खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, लड़का आदि, सेना। यौगिक रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का विच्छेद यदि हम करेंगे तो बैलधन गाड़ी। रसोई घर का विच्छेद करेंगे रसोई धन घर। पुस्तकालय का विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धनालय आदि होता है। योगारूढ़ शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ देने वाले शब्द योगारूढ़ कहलाते हैं। उनमें से दशानंद, दस सिर वाला रावण, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु जी आदि। अब तीसरा शब्द के भेद में आता है मुख्य बिंदु पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न भेद होते हैं। नंबर एक, एकार्थी शब्द। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ हो, जैसे पेड़, बुधवार, हाथ, मेज, महल, पुस्तक आदि। खा, अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, जैसे उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, आम, एक फल, साधारण, पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि। पर्यायवाची इसमें आता है, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची भी आते हैं, जिसकी परिभाषा इस प्रकार, लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द, जैसे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची होता है तरुपादप, चांद, चांद का होता है चंद्रमा, शशि, निशाचर। विलोम शब्द, परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे आदि और अंत, सुपुत्र, कुपुत्र, अंधेरा, उजाला आदि। अगला जो पोर्शन है अर्थ के आधार पर, अंगा नंबर, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो दया का पात्र हो उसे दयनी कहते हैं। अगला है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थ में अंतर होता है, जैसे और, तथा, और, दिशा तरफ, शौक, रुचि, शोक, दुख,
इत्यादि शब्द ये कहलाते हैं। चौथा जो शब्द के भेद है प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के विकारी, वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन आता है विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे, जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्च बोधक विस्मयादि बोधक इत्यादि। ये विद्यार्थी सभी की परिभाषाएँ लिखेंगे तथा पेज 32 का कार्य पूरा करेंगे।